आपने आप विश्वास दिला दिया है, हम प्रार्थना करूंगा भाई वेदपाल प्रमाणा जी जो हमारे पूर्व में पूर्व अध्यक्ष थे। सारे भाइयों को हाथ जोड़कर नमस्कार, राम राम। भाइयों, हमारा 29 तारीख को जो हमने इस्तीफा दिया था, उस दिन के बाद से ही हलचल शुरू हो रही है। और ये इस्तीफा देने की एक वजह कोई एक दिन नहीं था, इस्तीफा देने की वजह थी एक डेढ़ साल से लगातार हम प्रताड़ित हो रहे थे और इस चीज के लिए प्रताड़ित हो रहे थे। काम कुछ होना नहीं, झूठ बोलनी। ये जितने भी साथी बैठे हैं सभी ये सारे इस चीज से परिचित हैं। भाई हम विधायक के पास जाते हैं 10 बार चक्कर लगावा और एक बार वह झूठ बोल के भेज दे, भाई कोई दिक्कत नहीं, निश्चिंत हो जा जब तक मैं बैठा हूँ। आप लोगों को पता है 3.5-4 साल हो गए अपने सरकार बने ने, राज बने ने, विधायक बने ने। इसमें 2 साल तो कोरोना काल के चले गए, बच गया 1.5 साल। 1.5 साल में इसने विधायक ने, आप अपने छाती बहादुर कहूँ देख लो किसके काम में कितने काम करे। मारे काम में गा था बरेली का नंदा देन 2 तारीख से पहले झूठ बोल के आ गया कि मन तो गांव में 3 करोड़ रुपया दे दिए और मन तो सरपंच मेरा नहीं कित खा गया। अरे भले आदमी कम से कम इतनी तो झूठ बोलते जितनी खटान की होंगी हो, कोई आदमी 3 रुपये खा के दिखा दो, पर 3 करोड़ रुपये कड़े दिखाओगा कोई तरीका भी होंगे होगा। मेरा कार्यकाल सरपंच जी का 2021 में पूरा हो रहा था फरवरी में, तो 3 करोड़ रुपये कड़े दागे। इसका बापू था हमारा चाचा पाला, वो एक दिन उड़े बैठे थे मैत्री में और मैत्री बुला के बोला रे वेदपाल उरा बेटा एक बार मगा चाचा नो बोला कितने झूठ बोल सका आदमी मा चाचा 100% नो बोला महाराज ही मर्जी था ना 200% झूठ बोल रहा है। अरे ये सच्चाई है भाई साहब, ये सच्चाई है। मैं आत्मा से परमात्मा ये बात कह रहा हूँ। चलो बापू ने वोट नहीं दिया भाई, उसका अपना एक परिवार ही था, उसके बापू ने वोट नहीं दिया, चलो कोई नहीं। हम तो इस बात में नहीं जाना चाहते, कहने का मतलब यो है इस भाई ने गणपत आदमी को हमने एमएलए बना के यहाँ भेज दिया। इतनी बड़ी विधानसभा में पूरे हरियाणा का 90 आदमी हम उसकी गिनती करवा दी सारे भाइयों ने मदद करके। आज ये हालात हो गए, शायद आप मेरे से शायद एक आधा भाई ना भी परिचित हो और मैं भी ना परिचित हूँ। भाई साहब हमें ना जब स्टार्टिंग में जब टिकट मिली उस समय से लेकर आज तक जो आदमी उसके साथ थे टिकट दीवान में जान मोड़ चंडीगढ़ दिल्ली बैठन में, आज उसके पास कोई एक भी आदमी बैठा हो तो बता दो। सारे चाटुकारों की अपनी मंडली बनाए बैठा है, बताओ दे ये तुमसे भाई अगे एक सपीतो हल्का का बैठा है, एक रोहतक का बैठा है। अरे भाई कम से कम अपने भी अब जुलाना हल्के के भी मानस होते होंगे, उनके भी काम होंगे। कोई काम नहीं होता झूठ बोलना, बिना काम के नारियल फोड़ना, चलो ठीक है पाइपलाइन में देखो सरकार में काम होते हैं, विधायक सरकार का उसका फर्ज बढ़ता है काम करने का। तो भाई साहब हम तो है ना सारी बात ये सब परिचित हो इस बात से, इस कार्य प्रणाली से और इस सरकार के इस दुष्यंत के जो तरीके थे हमने 100 बार मिला, मैं 20 बार गया मैंने उसको, भाई काम नहीं हो रहे। डिप्टी सीएम साहब ये सारे साथी दुखी हैं और मैं हल्का प्रधान होने के नाते आपसे एक निवेदन करूं भाई, इनकी सुन लिया करो, कागज पर पूरे बड़े दस्तक करें, पाछे पकड़ा दें। भगवान की दया से वो कागज 5वें दिनों कागज भी नहीं पा करता, कुर्सी मशीन में गैर वह कागज काटने वाली एक मशीन धरी है, उस कागज काटने वाली मशीन में गेट दें दे रहे हो कागज भी नहीं पा करता। तो भाई साहब एक बात बताओ, हमने इतनी मेहनत करके इसको बनाया, क्या इसलिए बनाया कि हमारे को लात मार के दुत्कार करके बाहर कर दिया जाओगा, तो इस चीज का कोई फायदा नहीं। तो भाई हमने तो हाथ जोड़ का उस दिन 29 तारीख ने इस पार्टी ने भी अरे भाई इस विधायक का तो जमा हाथ जोड़ लिया, भाई तू अपना राजी राम अपना राजी। दूसरी बात वो संगठन बना रखा हमने, वो संगठन सारे भाइयों ने सर्वे की इस चीज के लिए बना था, बस जितने भी भाई साथी हैं जो नाराज हैं, जो आज हमने कल फोन करे मैंने एक दो साथी के पास है, भाई कल ने मीटिंग है 5 तारीख ने ब्राह्मण धर्मशाला माँ बाजियो, कोई आपके मन में बात है जैसे हमारे मन में कोई बात हमने रखी है तो आप भी रखियो। उस चीज का अगर इसने पता लग गया 5-10 मिनट के बाद उस भाई द्वारा फोन चला गया अरनु वाला तेरा नू कर देंगे, इतने इतने दे देंगे, तेरा यू टेंडर छटवा देंगे। रात में हर आदमी अच्छा था, एक दो कुछ आदमी होते हैं मारा वर्गे तुमसे झंडा ठा लिया तो ठा लिया भाई, नाइट कटनी मंजूर है, उठाटना मंजूर नहीं है जो बिल्कुल भी। बहुत फोन आए मेरे पास भी, बहुत फोन आए डिप्टी सीएम का भी फोन आया, जय चौटाले का भी फोन आया भाई, और भी जोड़ से बागड़ भी ले नीचे उनका भी फोन आया। हमने कह दिया थी हम झूठ थूक के चटनी मार से नहीं जमा बिल्कुल भी,
ना हमने एक रुपये का भी किसी चीज का कोई लालच करे हो। साढ़े तीन साल के दौरान विधायक एक बात मैंने कह दे भाई किसी चीज के लिए हम उससे ये करा कोई जरूरत नहीं थी उसको दिए बेसन है इलेक्शन में जो लाग रहे उसके दे रखे ले या कुछ नहीं आज तक। तो भाइयों मेन बात उनकी है आज इकट्ठे होने की थी वह यह है भाई हमने जो संगठन बना रखे है जो सारे साथी इस चीज में सहमत हो भाई संगठन में रह के काम करो तो भाई हम तो तारी सेवा में लागे रहे हम तो मारे तो डंडे लागे लिए अरे भाई कोई नुको बाकी जगह सारा लेकर काम करो भाई ये सारे भाई बैठ के जो फैसला करेंगे हम सारे आगे घेला मैं भाई आगे घेरू चुकुर कहेंगे चढ़े कहेंगे जिसकी धोख मारने की कहेंगे चढ़े झंडा ठाण की कहेंगे।